एमआईएम के एमएलसी रियाजुल हसन एफेंदी, वक्फ बोर्ड रुकन निसार हुसैन आगा हैदर और पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने पुराने शहर के मुख्तलिफ आशूरखानों का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वक्फ बोर्ड और बल्दी अहदेदारों को आशूरखानों में जारी आहकपाशी के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। जैसा कि दारुस्सलाम में मुहर्रम के इंतजाम की बहुत खबल नखीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर एक मीटिंग जो जीएचएमसी वालों के साथ और तमाम डिपार्टमेंट के साथ ली गई थी और हमारे इस हलके के एमएलए जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, चांद मीनार एमएलए साहब और जनाब सैयद अहमद पाशा खादिर साहब, यापुरपुरा एमएलए साहब और तमाम कारपोरेटर हजरात, तमाम जमात के ज़िम्मेदारान ने जो नुमाइंदगियाँ किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो नुमाइंदगी को पाए तकमील पहुँचाते हुए जोनल कमिश्नर साहब से जल्द एक दिन के टेंडर लगाने की जो है हम लोग बोल के आए हैं और वहाँ के बाद जो है दौरे का आगाज़ किए। जो छोटे मोटे काम हैं जैसा कि बारगाह हज़रत अब्बास में जो एंट्रेंस के पास थोड़ी डिब्रीज वगैरह है उसको उठाने के लिए एक सीसी रोड डालने के लिए अभी बताया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल खादरी साहब ने वहाँ पे आज काम चालू करवाया है और ऐसे तमाम आशूरखाने जात में जो काम है हमेशा की तरह जमात की नुमाइंदगियों पर काम होते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। शुक्रिया।